बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों और सभी को सलाम। सबसे पहले तो ईद मुबारक तमाम लोगों को। आज की वीडियो बेसिकली दो टॉपिक्स पे है। पहला टॉपिक होगा गाली, जो आजकल की जवान बड़ी इजीली दे देती है, और दूसरा टॉपिक होगा मुस्लिम यूनिटी, जिस पर मैं दोनों पर अलग अलग करके बात करता हूँ। पहला टॉपिक है गाली। तो गाली बेसिकली आजकल का हर जवान गाली देने से पहले ऐसे समझता है कि यार वो ग्रोन अप हो गया है, या उससे ऐसा लगता है कि यार मार्केट में वैल्यू बनाने के लिए, बड़ा दिखने के लिए मुझे गाली देना ज़रूरी है। वो कीचड़ गंदे वर्ड्स जो अपने मुंह से निकालता है, उसको बड़े फ़खर की बात समझता है। तो बहरहाल देखो, ये कोई फ़खर की बात नहीं, ये इंतहा कोई फजूल हरकत आप लोग कर रहे हो। मेरी इस बात को यार दिल पर नहीं लेना, यानी इस तरीके से दिल पर लेना कि असर अंदाज हो तो अच्छी बात है, वरना इग्नोर कर देना, कोई मसला नहीं है। आप कबर में आपको जवाब देना है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आजकल मिसाल के तौर पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स देता हूँ और गाली नहीं दूंगा, उसकी जगह खुद से मुंह से ही बीप लगा दूंगा। मैं सॉफ्टवेयर से बीप नहीं लगाऊंगा। मैं बाइक की चाबी घर पे भूल गया यार, बीसी। अबे ये घड़ी का सर बड़ा ही ब्रांड का टूट है यार, हमेशा जब देखो उसका सेल खराब हो जाता है। अबे यार ये लेस फिर भूल गई यार, ब्रांड टूट। खैर ये तो एग्जाम्पल्स थी डिफरेंट। हम इस तरह से गालियाँ अपनी लाइफ में डिफरेंट मौकों पर देते ही रहते हैं। बेसिकली बीसी जो गाली है, मैं गाली देके नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बीसी गाली है सब जानते हैं उसका मतलब क्या है। मेरा एक दोस्त, जब उसका कोई दोस्त से गाली देता था तो वो कहता था यार बीसी का मतलब यू आर ऑफरिंग योर सिस्टर समबडी, बहन और सी। तो वो कहता था जब भी उसका दोस्त को गाली देता था, बीसी पूरी गाली देता था, तो वो कहता था यार नहीं कर यार, तेरी बहन मेरी बहन जैसी ऐसी गंदी गंदी ऑफर्स मुझे मत दे। और वो शर्मिंदा हो जाता था, शायद पढ़ा लिखा था। देखो इलिटरेट और एजुकेटेड में यही फ़र्क है कि इंसान की डिग्रियाँ उसके मुँह पर नहीं लिखी होती, ना उसके बिहेवियर में लिखी होती है। उसके बिहेवियर से पता चलता है वो एजुकेटेड है या नहीं, वरना उसे पढ़ा लिखा चाहिए था। आजकल के लड़के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी कॉलेज, बड़ा बड़ा नाम है, बैचलर्स मास्टर्स सब कर रहे हैं, लेकिन मुँह पे वो गंदे अल्फाज जरूर होते हैं। एक चीज़ याद रखना, आपने सिर्फ डिग्री हासिल की, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपने सिर्फ डिग्री हासिल की, आप लिटरेट हो, एजुकेटेड नहीं हो। अगर आप एजुकेटेड हो तो ये गंदी गलीज लैंग्वेज प्लीज़ यूज़ करना बंद कर दो, खुद पर गौर कर रहे यार, ये कोई फख्र की बात नहीं है। और आज का दूसरा टॉपिक है इख्तलाफात, जो हमें मुस्लिम यूनिटी के दौरान बहुत सारे चैनल्स डिफरेंट मज़ाहिब के उलमा को बिठा रहे और उनसे सवालात कर रहे हैं। एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है यार, जो आलिम कहता है कि यार मेरे मज़हब में, यानी मेरे फ़िरके में मिसाल के तौर पे ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। सवाल करने वाला सवाल करता है। जैसे एक चैनल पे किसी ने सवाल किया कि भाई फ़लानी चीज़ हो सकती है या नहीं, और आलिम ने जवाब दिया कि मेरे फ़िरके के मुताबिक ये हराम है मिसाल के तौर पर, और दूसरा आलिम ने कहा मेरे फ़िरके के मुताबिक हलाल है, लेकिन तीसरा आलिम ये कहता है नहीं इसका जो फ़िरका है वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। ओ भाई हु आर यू, जो आप किसी और के फ़िरके को कुछ कहते हो, आप सिर्फ अपने फ़िरके का बताओ, आगे बढ़ जाओ। मुझे एक बात बताओ, ये इख्तलाफात आज के हैं या 1400-1500 सालों से पहले से हैं? इख्तलाफात पहले से चलते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग उसको जब कोई भड़काता है कोई चैनल, फ़ख्र से शेयर क्यों कराते हैं फेसबुक पे या ट्विटर पे? हम लोगों को क्या ज़रूरत है? हम उसको रेटिंग दे रहे हैं, हम उसको शेयर करा रहे हैं, हम आपस में बहस कर रहे हैं। ये इख्तलाफात सालों पुराने और बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पा के पाकिस्तान में लोगों ने साथ रहना सीखा है यार। अभी कत्लो गारत गिरी बंद हुई है और अब आप लोग उसी एजेंडे पे पूरा पूरा उतर रहे हो, जो मतलब अमेरिका और इसराइल चाह रहे हैं कि सिर्फ सुनिश्चित फसादात फैला दो। ये बेचारे एंकर्स, इनको तो रेटिंग क्या करें, उनको तो रेटिंग चाहिए। आप लोग थोड़ी सी अकल दिखाओ, पढ़े लिखे होने का सबूत दो। इख्तलाफात आज के नहीं, इख्तलाफात पुराने, सुन्नी का शिया से, शिया से देवबंदी का अहले हदीस से, अहले हदीस का बरेलवी से, दैट्स रियली कॉमन। ये कॉमन है, इसको इख्तलाफात को बढ़ने मत दो, बल्कि यूनिटी पे। सूरह आले इमरान आयत नंबर 103, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो, थाम लो, और तफर के बाजी में ना पढ़ो। तो यार तफर के बाजी में पढ़ना बंद करो, और जो पढ़ रहा है उसे भी रोको। यार उम्मीद है अगर कोई एक लड़का, पढ़ा लिखा लड़का भी आज से गालियाँ देना बंद कर देता, मेरा मिशन अचीव हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से इस वीडियो को शेयर कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें अक्ल आए कि वो कर क्या रहे हैं। भाई ये कोई कूल होना या ग्रोन अप्स की निशानी नहीं है। एजुकेटेड पर्सन तभी होगा जब उसके मुंह से कीचड़ गालियाँ ना निकले और ये तफर के बाजी में ना पड़े। थैंक यू।